गाइस, स्वागत है आप सबका टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नितभानोस। एज द रेनिंग अंडर 30 मोहल्ला हार्टथ्रॉब, मुझे काफी सारे मैरिज प्रपोजल्स आते हैं, यू नो, बट फ्रॉम अ लॉट ऑफ 9 on 10 गाइस, यू। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सच्चे प्यार की तलाश कर सकते हैं। और आई एम गोना टेल यू हाउ टू स्किप द रॉन्ग एंड हाउ टू फाइंड योर सोलमेट। ये पहला टाइप तो आपको जरूर मिलेगा, फेसबुक पे ज्यादा इंटेलेक्चुअल पोस्ट करने वाले और अपने आप को आर्टिस्ट बुलाने वाले। इन गरीबों के पिकासो से आप दूर ही रहना। बेब, तुमने नौकरी छोड़ दी? सोसाइटी कांट टेल मी व्हाट टू डू मी अमोरे। घर का रेंट कैसे दोगे? माय आर्ट स्पीक्स फॉर मी, आई एम एन आर्टिस्ट, आई डोंट नीड नो मनी। एंड एनीवे, कैन आई नॉट स्टे विद यू माय स्ट्रॉबेरी पॉम्पकिन। एक काम करो, अपनी कॉफी पियो और निकलो यहाँ से। अरे मैं तो जोक्स मारेला था सिस्टर, काहे को इतना सीरियस हो रही है। और कहीं ना कहीं आपको ये टाइप भी जरूर मिलेंगे जिनका फेवरेट पास टाइम इज लाइंग ऑन द बेड, लाइंग ऑन द ग्रास एंड जस्ट लाइंग इन जनरल। बीवेयर ऑफ द सीरियल लायर। कितनी सुंदर जगह है ये, है ना? जानता हूँ, और ये जगह तुम्हारे लिए खरीद भी सकता हूँ। ये 2 करोड़ की जगह है। 2 करोड़ क्या है बेबी, हाथ की मैल है मैल। डैडी, वो जो 100 रुपए थे ना वो कॉफी पे खर्च हो गए, मैं ऑटो से घर आ रहा हूँ, 20 रुपए नीचे फेंक देना। ओके, लव यू, बाय। इस टाइप को तो ओलंपिक्स में हाई जंप का मेडल मिलना चाहिए क्योंकि उसे जंपिंग टू कंक्लूजंस इतना अच्छा लगता है। प्लीज जंप अवे फ्रॉम द कंक्लूजंस जंपर। नितेश, कैन यू जस्ट पास मी सम शुगर प्लीज। तुमने मुझे नितेश बुलाया, इसका मतलब हम सिर्फ दोस्त हैं? डूड, डिड यू जस्ट डूड जोन मी? चिल ब्रो, चिल मतलब नेटफ्लिक्स एंड व्हाट? चिल, हाँ, लिसन, गेट आउट। और फाइनली आपको कुछ ऐसे लड़के भी मिलेंगे हो लाइक बाटा के डब्बे में प्रादा की हील्स। आप बाटा समझ के यू बोलेंगे बट यू आर एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ द प्रादा। एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू। ओह माय गॉड, मेरा भी। और तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक बैंड? ब्लू। व्हाट आर यू सेइंग? सेम। और तुम्हारी फेवरेट मूवी? ब्लू फिल्म। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब अक्षय कुमार वाली ब्लू। ओह वाओ यार, वी हैव सो मच इन कॉमन। आई विश आई डेटेड समवन लाइक यू, पर आई एम समवन लाइक मी। अरे तू तो भाई है यार। क्या हुआ भाई? जैसे ही बहुत सारी ड्रेसेस को ट्राई करने के बाद आई फाइंड दैट परफेक्ट ब्लैक ड्रेस, वैसे ही आप बहुत सारे लड़कों को मिलने के बाद यू विल फाइंड द वन। बट याद रहे कि किसी भी रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स एज वेल। बट ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारे 10 ऑन 10 और इवन अबव लड़के आपका इंतजार कर रहे हैं। सो गो गेट देम गर्ल्स। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कॉमिक वाला फॉर मोर एपिक स्टफ।